नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने हरदोई के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और साफ सफाई के निर्देश दिए। हालांकि मंत्री ने जिले के निरीक्षण में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और इसकी धज्जियां भी उड़ाई। मंत्री अतुल गर्ग हरदोई पहुंचे और यहां उन्होंने जिला अस्पताल के साथ साथ एक्सरे वार्ड, क्वारंटीन सेंटर, कोरोना वार्ड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कहीं कहीं भारी गंदगी देखने को मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और सभी को साफ सफाई के निर्देश दिए। मंत्री ने यहां स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया और संतुष्ट दिखे। मंत्री के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में संबंधित कर्मचारियों के माथे पर पसीना बहता रहा और निरीक्षण निपट जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। जब से कोरोना का संकट पूरे विश्व में आया है तो उससे भारत भी, उत्तर प्रदेश भी, सभी लोग अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन उसके कारण जो अन्य मरीज हैं, जो अन्य रोगी हैं, जिनको आवश्यक इलाज की आवश्यकता है, वो सेवाएं लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, केवल यही देखने के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ पर 80 मरीज इस समय भर्ती हैं, जिसमें से करीब मेरी 40-50 लोगों से भेंट भी हुई। उसमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा। तो इसके लिए यहाँ के मैं डॉक्टर्स को साधुवाद देता हूँ। मैं तुरंत जो मरीज आज ही आए हैं उन सबसे मिला। उनमें से प्रत्येक ने ये कहा कि उन्हें आते के साथ ही इलाज मिला। किसी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी, किसी एक छोटा बच्चा था, उसका मुँह में चोट आ रही थी, खून आ रहा था, गिर गया होगा कहीं से, तो उस बच्चे से भी मैंने पूछा, उसकी माँ से भी पूछा, तो इलाज सबका चल रहा है। यहाँ जितने भी मरीज हैं सबसे मैंने पूछा, सबको खाना मिल रहा है। जो तीमारदार हैं उनको भी खाना मिल रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दूध मिल रहा है, जो चादरें हैं वो प्रतिदिन बदली जा रही हैं। तो एक तरीके से जो सामान्य सेवाएँ वो शुरू हैं। 6 से ज़्यादा लोगों का आज सुबह से जो एक्सरे भी हुआ है, ये वो पैथोलॉजी के अंदर टेस्ट भी हुआ है। लेकिन कल यही टेस्ट और यही पैथोलॉजी के काफ़ी काम सैटरडे में और ये फ्राइडे में बहुत ज़्यादा हुए हैं, वो फिगर भी उन्होंने मेरे को दी थी। तो यहाँ पर आने का सारा मकसद यही था कि जो सामान्य सेवाएं हैं वो किस हद तक शुरू है। सर, गंदगी को लेकर आपने काफ़ी गंदगी के लेकर के मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ है और उसके लिए मैंने उन्हें निर्देशित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज इसका परिणाम भी नज़र आएगा और आगे से शायद CMO साहब से या सभी डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, इस तरह की कोई शिकायत आगे से आप लोगों को या मुझे या किसी जनता के लोगों को नहीं मिलेगी। दो समस्याएं हैं सर। एक तो यहाँ जो डॉक्टरों को रखने की बात है, जो इलाज करते हैं कोरोना पेशेंट लोगों का, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो इधर उधर रहते हैं और वहाँ उनको रोका जाता है, इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ जो सरकारी आवास है वो बिल्कुल, आपने मुझे बताया है, अभी मैं गाड़ी में बैठते ही टेलीफोन पर बात करता हूँ। सर, एक सवाल और है। हरदोई के CMS पर जो है 5 नियुक्तियों का अपॉइंटमेंट करने की शिकायत प्रमुख सचिव से हुई है, जिसमें 3 OT लैब में संविदाकर्मी और 2 ब्लड बैंक में रखे गए जिनका अधिकार नहीं, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है आप लोगों मेरे के पास? मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर आपने कहा मैं इसकी जानकारी लेकर के मैं इसकी चिंता करूँगा।